अब खबरें विस्तार से। उज्जैन में सीएम शिवराज ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के 53.66 करोड़ की लागत से स्वीकृत 8 निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया है। वहीं माधवनगर हॉस्पिटल एवं नागदा में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट और डोंगला ऑडिटोरियम का ई लोकार्पण किया। इस अवसर पर शत प्रतिशत टीकाकरण करने वाली 41 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि उज्जैन में एक नए युग का प्रारंभ हुआ है। उज्जैन धर्म, आध्यात्म, विज्ञान, शिक्षा, उद्योगों की नगरी है। ये एक अद्भुत नगरी है। पुराने समय में उज्जैन को कपड़ा मिलों के लिए जाना जाता था, अब हम इसे फिर से उद्योगों की नगरी बनाएंगे। हमारे सभी अतिथि महानुभाव, वास्तव में आज उज्जैन में एक नए युग का प्रारंभ हुआ है। ये अद्भुत नगरी है महाकाल महाराज की। ये धर्म की नगरी है, ये अध्यात्म की नगरी है, ये विज्ञान की नगरी है, ये पुरातत्व की नगरी है, ये विद्या विद्वानों की नगरी है, ये शिक्षा की नगरी है, ये उद्योगों की नगरी भी है। सचमुच में अद्भुत नगरी है अपनी, और कोशिश यही है कि दसों दिशाओं में उज्जैन में और मध्य प्रदेश में हम काम करें। आज अगर एक तरफ हम देखें तो उज्जैन का पुराना वैभव याद आता आजादी के पहले। तब यहां बड़ी बड़ी मिलें हुआ करती थी, कपड़ा मिले थी, कालांतर में मिलों को बंद होना पड़ा, परिस्थितियां बदली। नागदा में हमारे साथी ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ हुआ है। भी जल्दी 1100 करोड़ से शुरू करके 3000 करोड़ रुपए तक का नया इन्वेस्टमेंट करेगी और नागदा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त 6 इकाइयां और जो 1017 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी, प्रतिभा सिंटेक्स वाले भी 4000 को रोजगार देंगे और ये 1017 करोड़ की लागत से 4000 को और रोजगार देंगे। लगभग 12000 रोजगार के अवसर तो बहुत जल्दी सृजित होने वाले हैं। एक तरफ हम फिर से उद्योगों की नगरी बनाएंगे,